डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। पावर सिस्टम एनालिसिस में हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि पावर सिस्टम के सिलेबस क्या क्या है और पावर सिस्टम में हम लोग जो है ना क्या क्या पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग जो देखे थे कल। और आज हम लोग शुरू करने वाले ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, यानी कि आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर होगा। आप लोग पूरे वीडियो को ज़रूर देखें, इसमें बहुत सारा पॉइंट है जो कि आपको सीखने के लिए मिलेगा और इसके बेसिस पे आप इजीली क्वेश्चन को क्रैक कर पाओगे। यानी कि कोई भी जेई लेवल के पेपर में डायरेक्ट यहाँ से थ्योरी वाले पार्ट से सवाल पूछ लिया जाता है। पावर सिस्टम में मेन थोड़ा थोड़ा थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर आप स्टेट लेवल का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो। यानी कि सबसे पहले ट्रांसमिशन लाइन पढ़ेंगे तो हमारा ट्रांसमिशन लाइन का डेफिनेशन क्या होता है और फिर हमारा ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा मटेरियल यूज होता है और जो मटेरियल यूज होगा उसका ही यूज हम लोग क्यों करते हैं, कोई और मटेरियल का यूज क्यों नहीं करते, इन सब सारी चीज़ों पे हम लोगों ने फोकस करना है। सबसे पहले हम लोग ट्रांसमिशन लाइन का डेफिनेशन देखते हैं। तो हमारा ट्रांसमिशन लाइन सर क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन हमारा जो होता है ना, इट इज़ ए लिंक और कैरियर बिटवीन, इट इज़ ए लिंक और कैरियर बिटवीन टू पावर सिस्टम बसेज। अब यहाँ पे बात ये निकल के आती है कि सर पावर सिस्टम बसेस का मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ पे पॉइंट निकल के आता है कि सर पावर सिस्टम बसेस क्या होती हैं। यानी कि हम लोग देखते हैं ना, सर दो पोल के बीच में हमारा जो वायर जाता है उसको हम लोग ट्रांसमिशन लाइन बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा बात ये निकल के आती है सर कि हमारा जो है ये पावर सिस्टम बसेज क्या होती हैं, तो उसको भी हम लोग अभी देख लेते हैं। तो हम लोग जो है ना, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं नेटवर्क सिस्टम, तो हम लोग उससे कंपेयर करते हैं कि हमारा थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ पे अगर बसेस की बात करें पावर सिस्टम में, तो बसेस जस्ट लाइक हमारा नेटवर्क में जो नोड होता है उसको हम लोग बसेस बोलते हैं, नोड्स, ठीक है। उसके बाद से हम लोग ब्रांच, यानी हम लोग ट्रांसमिशन लाइन किसको बोलेंगे, दो नोड के बीच में जो एलिमेंट कनेक्टेड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, ब्रांच बोलते हैं। ये हमारा ब्रांच से रिलेटेड होता है। यानी कि नोड क्या होता है सर, जहाँ पे हमारा दो या दो से ज़्यादा ब्रांच मिलते हैं उसको हम, उस पॉइंट को हम लोग नोड बोलते हैं। वैसे ही हमारा ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, बसेज होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा सर बसेज क्या है, आगे इसका बहुत सारा सिग्निफिकेंस भी पढ़ना है कि हम लोग बसेज में कौन से मटेरियल यूज करते हैं और क्या होता है। ट्रांसमिशन लाइन हमारा जस्ट लाइक एक ब्रांच होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि सर हमारा ट्रांसमिशन लाइन में कौन से मटेरियल का यूज किया जाएगा, ठीक है, कि हमारा कौन सा ट्रांसमिशन लाइन में मटेरियल का यूज किया जाएगा और उसका ही यूज क्यों होगा, इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस कर लेंगे, कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इट मस्ट बी मेड ऑफ ए कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। ये हमारा कंडक्टिंग मटेरियल से बनता है ट्रांसमिशन लाइन। और कंडक्टिंग मटेरियल हमारा होता कौन कौन सा, जनरली इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हमारा यूज में आता है जो एल्यूमिनियम, कॉपर, AG, AU, लेकिन एल्यूमिनियम और कॉपर ही जनरली यूज में आता है, बहुत सारे रीजन है इसके पीछे। अब जो उसमें भी हम लोग देखते हैं एल्यूमिनियम और कॉपर में, कि हमारा एल्यूमिनियम ही ज़्यादा यूज में आता है सर, हमारा क्या होता है सर, एल्यूमिनियम ही ज़्यादा यूज में आता है। तो ये हमारा एल्यूमिनियम एज प्रीफर्ड टू कंस्ट्रक्ट ट्रांसमिशन लाइन। अब बात ये निकल के आती है कि सर एल्यूमिनियम ही हमारा ट्रांसमिशन लाइन में क्यों यूज होता है, ये भी एक हमारा क्वेश्चन होता है कि सर एल्यूमिनियम का ही यूज हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि हमारा एल्यूमिनियम क्यों यूज होता है। तो लिख लो कि रीजन टू प्रीफर एल्यूमिनियम, कि हमारा क्या रीजन है कि एल्यूमिनियम हम लोग यूज करते हैं, वजह क्या है सर। तो सबसे पहला पॉइंट लिखो कि ये हमारा लाइट इन वेट होता है, एल्यूमिनियम और कॉपर में हम लोग कंपेयर करते हैं, ये लाइट इन वेट होता है, ये हल्का होता है एज कम्पेयर टू कॉपर। यानी कि हम लोग क्या करते हैं सर, इसके वजह से हमारा कैन ईजिली बी यूज इन ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। वजन कम होगा तो ओवर हेड, यानी पोल के ऊपर जो हमारा केबल होता है, वजन कम होने से क्या होता है, सैग कम होगा, ये सब चीज़ आगे पढ़ोगे। यानी कि हमारा लाइट इन वेट होता है, चलो सर एक सिग्निफिकेंस तो पता चल गया। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो, ये हमारा कॉस्ट वाइज भी क्या होता है, इसका कॉस्ट भी कम होता है, लो कॉस्ट। तीसरा हम लोग क्या देख रहे हैं,
तीसरा हम लोग देखेंगे कि हमारा ये अवेलेबल है इजीली, ठीक है, इन लार्ज क्वांटिटी। अब हम लोग चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे जो कि कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लिखोगे कि मोर रेजिस्टिविटी देन कॉपर। एल्यूमिनियम का रेजिस्टिविटी किससे ज़्यादा होता है? कॉपर से। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, ठीक है। चलिए यहाँ तक सही है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है सर, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने से हम लोग क्या समझेंगे? हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। देखिए हम लोग क्या चाहेंगे सर, एल्यूमिनियम हो या कॉपर हो, हम लोग यही चाहेंगे कि रेजिस्टेंस जो है एल्यूमिनियम का हो या कॉपर का हो क्या हो, सेम हो। ऐसा क्यों चाहेंगे सर? कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल यूज हो उसका रेजिस्टेंस हम लोग सेम ही चाहेंगे। इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि हमारा सेम रेजिस्टेंस होने से कोई भी मटेरियल यूज करोगे लॉसेस हमारा सेम ही होगा, ठीक है। और कौन सा यूज करेंगे इस पर हम लोग बाद में आते हैं। फिलहाल हम लोग क्या चाहेंगे कि हम लोग चाहेंगे कि सर एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस हो या कॉपर का मटेरियल रेजिस्टेंस हो, दोनों में से कोई मटेरियल हम लोग यूज करें दोनों का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। हमारा मेन कंसर्न यही होना चाहिए, ठीक है। उसके पीछे वजह क्या है सर? इससे हमारा लॉस क्या होगा? कम होगा। अब देखो आर का फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, ठीक है। रो एल बाई ए, यहाँ पर हमारा लेंथ सेम होगा, ठीक है। अब हम लोग जो है ना यहाँ से रिलेशन बिल्डअप कर लेंगे सर। रिलेशन क्या निकल के आएगा? एरिया ऑफ एल्यूमिनियम बाई एरिया ऑफ कॉपर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम बाई रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। ये हमारा रिलेशन निकल के आएगा सर ऊपर वाला इक्वेशन से, ठीक है। अब हम लोगों को पता है सर, क्या पता है? कि हमारा जो रेजिस्टिविटी है एल्यूमिनियम का ग्रेटर देन है रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। तो यहाँ से हम लोग क्या रिलेशन निकाल लेंगे? रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम बाई कॉपर का रेशियो क्या होगा? ग्रेटर देन वन होगा। एक बात बोलो, अगर आप जो बताओ, अगर यहाँ पे रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर है, ये दोनों वन से बड़ा है, तो ये भी हमारा वन से बड़ा होगा। यानी कि एरिया ऑफ एल्यूमिनियम बाई एरिया ऑफ कॉपर क्या होगा? ये भी ग्रेटर देन वन होगा। बोलो ये भी ग्रेटर देन वन होगा। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि फिर सर हमारा फोर स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सेम वैल्यू ऑफ आर एल्यूमिनियम मस्ट हैव मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्योंकि ए हमारा होता है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है रेजिस्टेंस में जो ए होता है, क्लियर है। ये चीज़ आपको पता चल गया। यानी कि ये क्या रिलेशन निकाले हम लोग सर? यहाँ पे हम लोग ये भी निकाल लें कि एरिया हमारा एल्यूमिनियम का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू कॉपर। किसके वजह से सर? क्योंकि हमारा यहाँ पे रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम ग्रेटर देन वन हो रहा था रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, क्लियर है। इसी से हम लोग क्या निकाल लिए कि सेम वैल्यू ऑफ आर के लिए हमारा एल्यूमिनियम क्या होगा सर? उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ज़्यादा। अब देखो सर यहाँ पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि अगर हमारा एल्यूमिनियम का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो इसके फायदे क्या हैं? बस आप देखते चलो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा एक पॉइंट। अब देखो सर, हमारा जो है ना एरिया ज़्यादा होने से फ़ायदा क्या है? एरिया हमारा क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। किसका? हम एक मिनट, एल्यूमिनियम का एरिया ऑफ एल्यूमिनियम हमारा ज़्यादा हो रहा है एरिया ऑफ कॉपर। तो हम लोग जो है ना एल्यूमिनियम का क्यों यूज करते हैं उसी का एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ तक देख लिए कि सर एरिया तो ज़्यादा हो गया एल्यूमिनियम का कॉपर से, तो इसके फ़ायदा क्या है? देखो सर इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज क्या होता है हमारा सर? रो एल बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ठीक है। क्या होता है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज हमारा होगा रो एल बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आपको पता है। अगर हमारा यहाँ पे हमारा रो एल जो होता है ना, हमारा क्या होता है? लाइन चार्ज डेंसिटी होता है। सब पढ़े हो आप लोग लाइन चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लाइन चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये हमारा रोयल होता है लाइन चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे हमारा रिलेशन क्या निकल के आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r, ठीक है। यानी कि एरिया ज़्यादा होगा तो रेडियस भी ज़्यादा होगा। अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो एक बात बताओ, आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम और कॉपर में, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किसका कम होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एल्यूमिनियम का कम होगा एज कम्पेयर टू कॉपर। ये भी हमारा यहाँ से रिलेशन निकल के आ गया, क्योंकि हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि सर हमारा रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम ग्रेटर देन होगा रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर,
ठीक है, ये हमारा रेडियस, सॉरी रेडियस ऑफ कॉपर, रेडियस के बारे में हम लोग बात करें, ये आर हमारा रेडियस होता है, ठीक है, रेडियस ऑफ मटेरियल होता है, क्लियर, यानी कि रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम ग्रेटर देन होगा रेडियस ऑफ कॉपर, यहाँ तक समझ में आ गया। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं सर, यहाँ पे क्या पॉइंट बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि मोर रेडियस, देखो बहुत एडवांटेज है, बहुत रिलेट करके पढ़ पाएंगे हम लोग, मोर रेडियस और मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया वुड हैव लेस इलेक्ट्रिक फील्ड, दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमारा एरिया अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, सॉरी रेडियस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस में मालूम हो, रेडियस ज़्यादा होगा, अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा, कम होगा, मैं गलत लिख दिया यहाँ पे, हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कॉपर का होगा ज़्यादा एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एल्यूमिनियम। अब इसके पीछे वजह क्या है कि सर हमारा कम होगा फिर क्यों यूज करेंगे, तो आगे लिखते हैं, हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी रिड्यूस्ड इन एल्यूमिनियम एज कम्पेयर टू कॉपर। एक एक चीज़ हम लोग रिलेट करते हुए पढ़ेंगे, बस आप आराम से वीडियो का शुरू से अंत तक बस देख लोगे सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोग क्या देखें कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एल्यूमिनियम का कम हो गया एज कम्पेयर टू कॉपर, चलिए सर रजिस्ट रेडियस बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो गया कम, अब इसका एडवांटेज क्या है आगे हम लोग लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं सर इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर आयोनाइज्ड एयर सराउंडिंग कंडक्टर, क्या करेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़्यादा होने से वो क्या करेगा, एयर के आसपास जो भी, सॉरी कंडक्टर के आसपास जो भी एयर है उसको क्या करेगा, आयोनाइज कर देगा। इससे नुकसान क्या होगा, इससे फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं आगे लिख रहे हैं, सो आवर सो एयर बिकम्स कंडक्टिंग, हमारा एयर क्या हो जाएगा, कंडक्टिंग नेचर का हो जाएगा, ठीक है, किसके वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दिस फेनोमेनम, देखो इससे यहाँ से कॉन्सेप्ट भी हो गया, सवाल भी हो गया आपका किसी भी पेपर के लिए, दिस फेनोमेनम इज कॉल्ड एज कोरोना। कोरोना में क्या बोलते हो कि हीजिंग साउंड आता है और लाइटनिंग होने लगता है कंडक्टर के आसपास, क्यों होता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने की वजह से क्या होता है, एयर आयोनाइज होकर के वहाँ पे हमारा एयर कंडक्टिंग मटेरियल का कंडक्टिंग हो जाता है, एयर कंडक्टिंग होने की वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो है इस फेनोमेनम को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं, क्लियर है। यानी कि कोरोना हमारा एक जो है बैड इफेक्ट है किसका सर, पावर सिस्टम, इसको हम लोग रिड्यूस करने का मैक्सिमम कोशिश करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं सर, क्या बोल सकते हैं कि टू रिड्यूस, आगे हम लोग कोरोना के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे टू रिड्यूस कोरोना इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी लो। इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी लो कैसे हो सकता है, हमारा रेडियस को हाई रखेंगे तो, और रेडियस हाई, क्लियर है, यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आएगा, देखो कितना रिलेट किया हुआ चीज़ें। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि एल्यूमिनियम क्यों यूज होगा, तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि रेजिस्टिविटी हमारा एल्यूमिनियम का ज़्यादा होता है, इससे देखो कितना कंसेप्ट निकला, इससे हमारा एरिया ज़्यादा निकल गया एल्यूमिनियम का एज कम्पेयर टू कॉपर सेम रेडियस के लिए। अगर हमारा एल्यूमिनियम ज़्यादा निकल गया एज कम्पेयर टू कॉपर सेम रेडियस के लिए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सेम रेजिस्टेंस के लिए, सॉरी रेडियस में बोल रहा हूँ, सेम रेजिस्टेंस के लिए, तो यहाँ पर हमारा रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम ज़्यादा होगा कंपेयर टू कॉपर। अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का रो एल बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी कि अगर हमारा रेडियस ज़्यादा होगा तो जिसका भी रेडियस ज़्यादा होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, तो हमारा एल्यूमिनियम का रेडियस ज़्यादा है तो हम लोग बोल सकते हैं एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कम एज कम्पेयर टू कॉपर, क्योंकि हम लोग इसी दोनों मटेरियल में अभी हम लोग कंपेयरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि मोर रेडियस और मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया वुड हैव लेस इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी रिड्यूस्ड इन एल्यूमिनियम एज कम्पेयर टू कॉपर, ठीक है। अब हम लोग ने यहाँ पे देखा कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है तो हमारा एयर हो जाता है आयोनाइज, और इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं कोरोना। कोरोना एक टाइप का लॉस है जिसको हम लोग रिड्यूस करने का कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे एक डायरेक्ट सवाल पूछता है कि सर कोरोना लॉस हमारा कैसे रिड्यूस हो सकता है, तो आप बोल सकते हो कि रेडियस हम लोग बढ़ा सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर सकते हैं, बाकी हम लोग डीप में इसका एनालिसिस कोरोना टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, चलो अब हम लोग देखेंगे कि सर हमारा ट्रांसमिशन लाइन में हमारा डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, ठीक है, हम लोग का एम क्या होगा सर हमारा ट्रांसमिशन लाइन में, हमारा डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं।
देखो, ये थ्योरेटिकल पॉइंट से एक एक चीज़ क्लियर करते हुए पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट लिख सकते हो सर इसमें, हमारा लेस लॉसेस एंड हाई इफिशियंसी। लॉस कम होगा तो इफिशियंसी हमारा क्या होगा, होना चाहिए सर, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, लेस लॉसेस एंड हाई इफिशियंसी। ठीक है, पहला हमारा ये होना चाहिए, पहला हमारा एम होना चाहिए कि लॉस कम हो तो इफिशियंसी ज़्यादा होगा। उसके बाद से हम लोग ये चाहेंगे कि वोल्टेज ड्रॉप जो है ना सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड कम हो, वोल्टेज ड्रॉप कम हो सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड। अगर सेंड कर रहे हो जहाँ से वहाँ, अगर रिसीव कर रहे हो कहीं और पे, तो वहाँ दोनों के बीच का ड्रॉप कम होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो सेंडिंग एंड पे वोल्टेज 32 kV है तो रिसीविंग एंड पे भी हमारा अप्रॉक्स कोशिश करना है कि 32 kV रहे। ये हमारा मेन एम रहता है, लॉस कम करना, इफिशियंसी बढ़ेगा और हमारा वोल्टेज ड्रॉप को कम करना। यानी कि हम लोग फिर क्या कोशिश करेंगे सर, हम लोग लेस वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन सेंडिंग एंड एंड रिसीविंग एंड। ठीक है, हम लोग यही चाहेंगे कि हमारा वोल्टेज ड्रॉप कम किया जाए सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड के बीच में। क्लियर सर, हमारा वोल्टेज ड्रॉप जो है वो कम किया जाए किसके किसके बीच में, सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड के बीच में। ठीक है, अब जो है हम लोग थोड़ा सा एक पॉइंट देखेंगे कि सर हमारा जो है वोल्टेज, हमारा रेटिंग किसके बेसिस पर डिसाइड होता है, चाहे इसको हम लोग नेक्स्ट सवाल में करेंगे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, आप लोग इसको कमेंट करके बता सकते हो, हाउ टू डिसाइड रेटिंग्स। ठीक है, वीडियो हम लोग छोटा छोटा ही बना रहे हैं, और एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि एक मोटिवेशन मिलता है आगे कंटिन्यू करने के लिए। अभी मेरे पास जो है ना डिजिटल बोर्ड अवेलेबल नहीं है, और फिर हमारा अभी यूट्यूब मोनेटाइज नहीं हुआ है कि मैं लाइव क्लासेस ले सकूँ, नहीं तो मैं लाइव ही लेता, लाइव में ज़्यादा बेहतर इंटरेक्शन होता है। दूसरी चीज़ है कि एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर किया जाएगा। पूरा जुड़ो आप लोग, दोस्तों को शेयर करो, पसंद आना पे लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, डेली नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। यानी कि किसी दिन पावर सिस्टम की, मतलब पावर सिस्टम तो डेली जाएगा, अब मैं कंट्रोल सिस्टम भी शुरू किया हूँ, बेसिक इलेक्ट्रिकल भी मेरा चल रहा है, यानी कि तीनों पेपर पैरेलली चलेगा। और हम लोग यही टारगेट करें कि मिनिमम SSC JEE तक ये सारे पेपर कवर कर लें। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर तीनों पेपर कवर कर लेते हैं तो मेरे को लगता है कि दो पेपर तो बहुत इंपॉर्टेंट है SSC JEE के लिए, पावर सिस्टम बेसिक इलेक्ट्रिकल, तो अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे आप। मशीन भी करेंगे, मशीन के लिए फिलहाल कोई प्लान नहीं है, अभी 15 दिन तक मशीन का कोई प्लान नहीं है। अभी एग्जाम तो मेरा नवंबर में है ना SSC JEE का, तो उस समय देखा जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के भी शेयर कीजिए, जुड़े रहिए। मेरे पास अभी लैक ऑफ, मतलब क्या बोला जाए, एसेट्स के वजह से मैं लाइव नहीं ले पा रहा हूँ, और फिर बहुत जल्द आप लोग के लाइव भी लिया जाएगा। ठीक है, सब कुछ होगा, बस आप लोग जुड़े रहिए, आप लोग का सपोर्ट जो मिल रहा है बहुत अच्छा है, ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।